हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब ठीक हो गाइस। आज हम खेल रहे हैं इंडियन व्हीकल सिमुलेटर 3D गेम, जिसमें अपन चला रहे हैं JCP और JCP का अंदर बैठे हुए फिलहाल अपन, बट अपन निकलते हैं बाहर और सामने जो खड़ा हुआ है वो है अपना ट्रैक्टर, जो कोई उसको भी अपन ले चलने वाले, जिसमें अपन ने खल की बोरियाँ भरी है, बट अपन आज उसको उलझने वाले JCP से। तो कम्प्लीटली अपन JCP से उलझेंगे, तो सबसे पहले JCP को लेके चलते क्योंकि फिर जगह नहीं बचेगी ट्रैक्टर को ले चलने के बाद। तो ट्रैक्टर के पास से निकलते हुए चलते गाइस। इसी ट्रैक्टर को अपने को मेसी को लेके चलना है ना, JCP को कम्प्लीट वहाँ पर ड्रॉप करके छोड़ कर जाएंगे, उसके बाद अपने को इसको लेके चलना। भाई देख सकते हो आप, JCP की स्पीड भी काफ़ी दमदार है और साउंड अपन ने आगे से उठा दिए। बाकी आप बाहर से भी देख सकते हो कितनी गुड लुकिंग लग रही है, बाकी बहुत तगड़ी है। निकलते हैं तो अपन ले लेते हैं यहाँ से लेफ्ट टर्न। लेफ्ट टर्न लेने के बाद सीधे सीधे चलते हैं अपन कंटिनेटर के ब्रिज के बाद, जो ब्रिज आएगा उस पर अपने को चलना है और उसी पे करेंगे अपन स्टंट विस्टंट सब। बाकी अपने को ट्राली उलझनी है, तो अपने को काम है आज अपना ट्राली उलझने का काम। जल्दी से जल्दी चलते हैं, कोशिश करते हुए निकल चलते हैं अपन उस ब्रिज के ऊपर और कम्प्लीटली JCP को वहाँ पे छोड़ने के बाद अपन आएंगे ट्रैक्टर को लेने के लिए, है ना। तो JCP को अपन मेरे हिसाब से अभी नीचे छोड़ देते हैं, नीचे छोड़ देंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि अपने को ट्रैक्टर को लाना पड़ेगा। ट्रैक्टर ज़्यादा दूर है और अकेले में खड़ा हुआ, कोई चोर वोर चोरी कर लेगा, बट अपन है ना इसको खड़ी करने के बाद ट्रैक्टर को लेकर जाएंगे, है ना। तो इसको लगा देते हैं अपन कम्प्लीटली साइड। तो भाई ले लेते हैं अपने पुल की तरफ, है ना, ब्रिज की तरफ, और छोड़ देते हैं इसको कम्प्लीटली वहाँ पे ले चलने के बाद। तो गाइस अब टर्न हैंड स्टेयरिंग बहुत कम काम करता है, थोड़ी कई बार कम काम करता है। तो गाइस मेरे ख्याल से अपन इसको छोड़ देते हैं ऊपर, थोड़ा सा ऊपर चढ़ा गया हल्का सा, है ना। तो गाइस अपन छोड़ देंगे इसको अभी, है ना, यहीं पर छोड़ देते हैं यार मेरे हिसाब से, कि ऊपर चढ़ा लेते, चलो ऊपर थोड़ा सा और चढ़ा देंगे गाइस। तो आ गए अपन ट्रैक्टर के पास और कम्प्लीटली अपने मेसी ट्रैक्टर को अपन ले चलने वाले, है ना। तो अपन ले लेते हैं टर्न, क्योंकि अपने को ले चलना है रिवर्स, मतलब पीछे वाली दिशा में, है ना, आगे वाली में। यहाँ से टर्न मारते हुए निकल चलते हैं कम्प्लीटली, तो हल्का सा पीछे कर लेते हैं इसको। भाई यहीं पे मुड़ जाएगा वो तो, हाँ कम्प्लीटली। ओ स्टेयरिंग बहुत तगड़ा, इसका काम बहुत तगड़ा करता है स्टेयरिंग, है ना। तो अपन लेते हैं इसको रिवर्स। ओ भाई पूरे घूम गया वो, जिधर था उधर ही हो गया। चलो तो फिर से करते हैं अपन, बढ़ाते हैं बिना किसी देरी के और लगाते हैं अपने रोड पे। तो गाइस कम्प्लीटली अपन ने स्टार्ट कर दिया अपने ट्रैक पे चलना, मतलब जिधर अपने को जाना है। और अभी अपन बैठे हुए सीट पे, तो सीट पे बैठने के बाद आप व्यू देख सकते हो कैसा लगता है। और ये जा रहा है अपने मेसी ट्रैक्टर निकलते हुए दमदार तरीके से, है ना। तो लाइट बंद करनी है इसकी अपने को, है ना। तो गाइस काफ़ी ज़्यादा लोडिंग है ये, फिर भी इतनी स्पीड से भग रहा, कम से कम 150 बोरे के समथिंग इस पर रखे हुए है ट्राली में, बट ऐसा पानी के रेले की तरह जा रहा है और घाटी भी ऐसे ही चढ़ जाएगा वो दमदार ट्रैक्टर है। तो यहाँ से ले लेते हैं इसको भी लेफ्ट। लेफ्ट लेने के बाद अपने घर के पास से जस्ट निकल के चलने वाले अपन, पानी वानी पीना हो तो पी सकते, बट अपन नहीं रुकेंगे वहाँ पे क्योंकि अपने पास समय बहुत कम है। तो गाइस अंदर फिर से सीट पर बैठ चुके हैं हम, स्पीडली भगाने सीट पर बैठ के चलाने में जो आनंद आता है उसकी बात ही अलग है, मतलब एकदम लगता है रियल ट्रैक्टर है ना, रियल तो ही सही वैसे वो। बट अपन जल्दी से जल्दी चलने की कोशिश करते हैं गाइस। तो अब थोड़ा स्पीड बढ़ा लेते हैं और स्पीड टेस्टिंग भी कर लेते हैं ना इसकी। तो आगे रोड काफ़ी शानदार है, बट अपने को अब आगे से टर्न लेना क्योंकि रोड की एंडिंग है यहाँ पे, और अपने को चलना है वहाँ पे सीधे अपने ब्रिज के पास, जो कि गोल गोल घुमा हुआ उसके पास कम्प्लीटली अपने को पहुँचना है। और JCP भी अपनी खड़ी हुई है वहीं पर, तो JCP के पीछे लगा देंगे अपन, बट JCP वाले से बोल देंगे कि भाई पीछे कर ले, वो कर लेगा, बट अपने को पहले चढ़ानी है वरना JCP चढ़ जाएगी, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। भाई JCP वाले ने पहले उतार ली नीचे, अभी ऊपर था और जस्ट वो भाई फिर से चढ़ा रहा है, ये क्या कर रहा है, इसको मना करना पड़ेगा यार, है ना, फिर से चढ़ा रहा हूँ। चलो कर ली उसने, फिर से रिवर्स कर लेगा वो, तो वो भाई ये तो ऊपर जा रहा हो, बट अपन मना कर देंगे उससे, तो वो आ जाएगा नीचे, है ना। पर मेरे हिसाब से ख्याल से JCP को ऊपर चढ़ाना अच्छा रहेगा, पहले JCP को चढ़ा दे दे कम्प्लीटली, क्योंकि टेंशन ख़त्म, उलझने में काफ़ी जल्दी हो जाएगी अपनी। JCP को बाद में ले जाना नुकसानदायक भी हो सकता है अपने लिए, है ना। तो गाइस अपन इसको लगा देते हैं पोजीशन पे और JCP को बढ़ाएंगे, है ना अपन। तो यहाँ पे खड़ा कर देते हैं ट्रैक्टर को अपन कम्प्लीटली, इधर साइड से खड़ा कर देते हैं भाई, और बैठ जाते हैं JCP में, है ना। JCP में बैठने के बाद अपन बढ़ाएंगे अब JCP को, देख सकते हो आप दोनों वाहन अपने खड़े हुए साथ में, अब बढ़ने वाली है JCP। तो JCP के अंदर हम कम्प्लीटली बैठ चुके हैं और चढ़ाने लग गए JCP को, जल्दी से जल्दी JCP को ऊपर छोड़ के आते हैं हम, जो कि अपने चौथे फ्लोर पे है स्टेशन अपना, वहीं पे अपने को बोरिया उलझनी है JCP के द्वारा। तो भाई चढ़ाते हैं, पुल का और JCP का कलर सेम है एकदम, तो आप देख सकते हो, वो जल्दी से जल्दी चढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो अपन हल्का सा राइड ले लेते हो क्योंकि पूरा कनौर पे चल रहा है उधर की साइड। भाई इधर से देख सकते हो आप, इस टायर को अपने को इस कनौर पे रखना है, जिससे कि अपने JCP पूरी मेंटेनेंस से चलने वाली है ना। तो यहाँ पे रखते हुए चलना अपने को कम्प्लीटली, इधर उधर नहीं खिसकाना है हल्का सा भी। तो गाइस अपन तीसरा राउंड अपन ने कम्प्लीटली कम्प्लीट कर दिया है,
बट अपना लास्ट राउंड है, लास्ट राउंड के बाद अपन प्रॉपर पहुंच जाएंगे अपने मिशन पे, है ना। तो ये राउंड भी अपना ख़त्म हो गया, अभी है अपना एंडिंग, एंडिंग काम करते हुए निपटाते हुए चलते हैं अपन। और इसके बाद लाना है अपने को ट्रैक्टर के थ्रू, ट्रैक्टर को लाना पड़ेगा अपने को आराम से, क्योंकि काफ़ी लोडिंग है, इससे ज़्यादा लोडिंग है ना, और पहिए भी ज़्यादा मानो उसके, है ना। तो जो कि अभी खड़ा हुआ था वहाँ पे, तो गाइस इसको स्पीडली लेके चलते हैं और वहाँ पे लगा देते हैं अपन, जो कि वो घाटी जैसी दिख रही ना वहाँ पे चल के प्रॉपर इसको लगा देते हैं और फिर चलते हैं अपन ट्रैक्टर को लेने। तो स्पीडली भगा लेते हैं थोड़ा सा हल्का सा। ओ भाई सिट, ओ सिट, ओ भाई गए मेरे को लग रहा, कोशिश करते हैं। ओ बज गए बाल, बाल बज गए। चलो जल्दी, जस्ट जल्दी से जल्दी करके इसको आगे लगा देते हैं कम्प्लीटली और उसको लेने के लिए चलेंगे अपन, है ना। और गाइस अगर आपको जेसीबी अच्छी लगती हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूले, है ना। ट्रैक्टर और कमेंट में बताइए कि ट्रैक्टर अच्छा लगता है आपको कि जेसीबी, लोडिंग ट्रैक्टर का काम अच्छा लगा या जेसीबी का, है ना, ये ज़रूर बताना आप। तो गाइस देख सकते हो सीट पे बैठने के बाद जो मज़ा आता है उसकी बात अलग, मतलब लग रहा है कि एकदम अपन सेम बैठे हुए और चला रहे। तो कम्प्लीटली अपना पहला राउंड के लिए अपन जा रहे हैं मिशन पे और पहुंचने वाले मजे। ओ भाई सिट, ये क्या हुआ, ये तो रिवर्स भाई कंट्रोल, मौसम टूट जाता है ना घाटी पे तो फिर चढ़ना असंभव हो जाता है थोड़ा सा। तो अपन ले लेते हैं रिवर्स इसको भाई, क्योंकि यूँ तो चढ़नी नहीं है वैसे भी वहाँ से। तो रिवर्स लेने के बाद अपन चलेंगे फिर से ऊपर की ओर, है ना। तो रिवर्स लेते हैं अपन जस्ट और अब चढ़ाएंगे अपन ऊपर की ओर, फिर से एक बार और कोशिश करेंगे अपन। तो भाई जाने देते हैं फिर से अंदर, आज बैठे हुए सीट पर अपन, है ना। बट मेरे ख्याल से अब अपने को उतर जानी चाहिए सीट पे से, क्योंकि ट्रैक्टर आगे से उठ रहा है तो अपने को अगले पहिए का ध्यान नहीं है कि किधर जाएगा और किधर नहीं जाएगा, क्योंकि सामने से प्रॉपर दिख सकता है। तो ब्रेक लगाएंगे और अपन निकलते हैं बाहर, सीट से उठ के बाहर जाएंगे अपन, है ना। कम्प्लीटली सीट से उठ के बाहर जाते हैं। तो गाइस पहला राउंड तो अपना हो जाएगा कम्प्लीट, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, ऐसे चलाने में तो अच्छे मज़े आते हैं इसमें, बट काफ़ी शानदार लुक है, स्मूथली और सिलो सिलो चलाना है अपने को। भाई आगे से उठ रहा है ट्रैक्टर कम्प्लीटली, बहुत ज़्यादा उठ रहा है, तो अपने को देखना पड़ेगा और ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ट्राली के पहिए नीचे नहीं चल जाएंगे तो ट्रैक्टर को भी लेके चली जाएगी साथ में, ज़्यादा लोडिंग होने के कारण पीछे नहीं खिचक रही है वो अपने को, क्योंकि ढाल उधर का है ना। ओ भाई सिट, बहुत लोड ले रही है वो। तो गाइस अब देखो, आप देख सकते हो अब, ओ भाई सिट रिवर्स जा रही थी एक बार और। ये चार राउंड है गाइस अपने, है ना, और अपन इस पे है तो अब बढ़ाते बिना किसी देरी के अगले पहिए का ध्यान रखते हुए, क्योंकि कनौर पे चल रही थी प्रॉपर, गिरने के ज़्यादा चांसेस से बहुत ज़्यादा। तो अब लास्ट राउंड है अपना, तो लास्ट राउंड को कंप्लीट करते हुए जल्दी से जल्दी पहुंचने की कोशिश करते हैं अपन। इसके बाद कोई भी राउंड नहीं है अपना, जल्दी क्लियर करते हैं इसको और ध्यान में रखते हुए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोडिंग है, 150 बोरा का नुकसान हो जाएगा, पड़ गए तो सब फूट जाएंगे, फट जाएंगे, तो दिक्कत, ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। तो कम्प्लीटली प्रॉपर अपन वहाँ पर छोड़ कर आते हैं इसको, चढ़ाते हैं भाई, ज़्यादा लोड, ज़्यादा लोड लेने के कारण भी दिक्कत आ रही है अपने को। तो जल्दी से जल्दी कोशिश करते हैं और इसको छोड़ के आते हैं, क्योंकि लास्ट राउंड भी प्रॉपर आ चुके हैं अपन, और अपने को लगाना है इसको जेसीबी के जस्ट पीछे, कि जेसीबी को उसको उलझने में आसानी होगी, है ना। तो इसको वहाँ पर प्रॉपर छोड़ के आते हैं कम्प्लीटली भाई। तो अपन आ गए एंडिंग में, और जो कि जेसीबी अपनी दिख रही है सामने खड़ी हुई जेसीबी दिख रही है, उस जेसीबी के जस्ट पीछे लेके चलना है अपने को इसको, और बताऊँगा मैं आपको लगाने के बाद कि जेसीबी से कैसे उलझने वाले हैं अपन, है ना। तो गाइस लगा देते जस्ट उसके पीछे, और आप बोरे गिन सकते हो अगर आपको विश्वास नहीं हो तो, बट काफ़ी शानदार लुक दिख रहा है यहाँ से भाई, काफ़ी ज़्यादा ऊपर आ गए अपन, कम से कम 1000 फीट के समथिंग। तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ से ट्रैक्टर दोनों गुड लुकिंग है, और वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को लाइक।